जय सभी महाराज की जय। यहाँ से देख लो भाई साहब, आज सैटरडे और आज हम इन्हीं के लिए यहाँ आए थे। चला जाए अंदर। आ जाओ तो यहाँ से ये आगे शनि मंदिर। अच्छा आगे है, सॉरी चलो। यहाँ से आगे तो ये तुमने शनि मंदिर के दर्शन तो कर ही लिए होंगे। और भाई साहब भाई यहाँ पे मास्क नहीं है किसी जगह, लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा। एक तो रात में राइडिंग की वो कि मतलब राइड के लिए एक्साइटेड। और यहाँ से हमारे सारे राइडर्स ग्रुप में, और अब मैं इस टाइम पे बैटरी पे बचा लेता हूँ कैमरे की। अभी हम लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं, और बाकी जैसे कि तुम लोगों को पता चल रहा होगा, वीडियो तुमने यहाँ तक कंटिन्यू पे देख रहे होगे, तो परिक्रमा का टाइम आ गया और अभी हम मंदिर तक पहुँचने वाले हैं। वैसे तो 3.5 किलो के आसपास की है, आपको पैदल जो याद रखोगे वो 3.5 किलोमीटर के आसपास की है, और अभी तक तुम्हें बिल्कुल ऐसे फील नहीं होगा। बस ये है कि छोटे छोटे पत्थर लगेंगे, वो भी इतना कुछ ज़्यादा कोई वो पेनफुल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिंदास है। और यहाँ पे अपने आरव भाई है, तो आरव भाई बताओ कुछ कैसा एक्सपीरियंस। जय शनिदेव। आप पहुंच चुके हैं शनिदेव महाराज जी के द्वार और लगे हुए हैं परिक्रमा में, और आधी से ज़्यादा हो चुकी है, बाकी थोड़ा एक बार वो दिखा दो, बाकी एक बार तुम लोग इस तरीके से व्यू देख लो, ठीक है। ये सारा है, और यहाँ पे अपने श्री ओम भाई है, तो भाई का भी चैनल है, तो इनके भाई भी बताएंगे और इनका फीलिंग बनेंगे। सबसे पहले हम फीलिंग, जय शनिदेव महाराज की। जय शनिदेव भाई लोग, अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं जैसे पता ही है, बाकी अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से पसीने आ रहे हैं, लेकिन नीचे हम जैसे नंगे पैर हमेशा बिना जूते चप्पल के परिक्रमा करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो नीचे से गर्म हो रखा है पूरा रोड, जैसे भी पत्थर की टाइल्स लगी हुई है, और बीच बीच में कहीं कहीं छोटी छोटी बज्जर होती है जो नीचे पैरों में लगती है, लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा सीरियस फील नहीं होता, मतलब हल्का फुल्का ही पता चलता है, और टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया। इजीली 3-3.5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, आराम से निकल जाती है। ऑलमोस्ट हमने आधी से ज़्यादा तो क्लियर कर ही लिया है, हमने 80% ऑलमोस्ट कर, ऑलमोस्ट हमने 80% कर चुके हैं, क्योंकि भाई आ चुके हैं हमारा आरव भाई का, और आगे जो नमन भाई है इनका पहली बार है, बाकी लोग आ चुके हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है सबसे। अच्छा तुम्हारा आ चुके हो, चलो तो भाई भी आ चुके हैं। ये मेरे साथ पहली बार है एक तरीके से, आप ये समझ लो कि मेरे साथ ये भाई पहली बार आए हैं, और बाकी तो सब कुछ सही चल रहा है ना बस। और यहाँ पे भाई थोड़ा सा दान पुण्य कर रहे हैं, लड़ना नहीं, दान पुण्य कर दिया भाई ने, और बाकी अपने नमन भाई भी अपने चैनल के बारे में कुछ बताएंगे। बताओ भाई, और फीलिंग पहले की आपकी फीलिंग्स कैसी है इस टाइम पे, कि क्या फील कर रहे हो आप? वो वाली है भाई, ग्रुप में राइड करके जो मजा आ रहा है ना, वो अलग ही है मजा, सोलो राइड करने इसको कह सकते हैं हम पदयात्रा हिंदी में। पदयात्रा जो हम लोग अभी कर रहे हैं तो पदयात्रा, यहाँ से मंदिर की पूरी परिक्रमा 3.5 किलोमीटर की लगा रहे हैं, आधी हो गई, आधी और रह गई है, आधी और आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। नहाओ पियो, पानी वानी खूब है यहाँ पे, कोई नहाने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सर पे शावर लेके भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी की कमी नहीं, पानी खूब है। अब वो बात अलग है कि भाई अगर डूब डाब गए तो भाई तुम देख लेना, या फिर अंदर दलदल में घुस गए तो भाई यात्री अपने सामान की सुरक्षा और अपनी सेफ्टी खुद रखे, ठीक है। हम तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस दे रहे हैं, और तुम आओ
ठीक है। और यहाँ से हमारे यहाँ पे ये जो भाई है गाइड कर रहे हैं, भाई अपना नाम के बारे में बताओ। मेरा नाम जनक सिंह है, मैं यही पास के गांव का रहने वाला हूँ और मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। थैंक यू भाई। और यहाँ पे मंदिर में शनिदेव जी का दर्शन आप लोग अभी करेंगे परिक्रमा के बाद, बहुत ही आपको इससे सुकून और आनंद मिलेगा कि हाँ हमने कोई तीर्थ स्थल पे आके बहुत अच्छा तुम्हें मतलब महसूस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे तुमने भाई की वाणी सुन ली, हिंदी आजकल ज्यादा तगड़ी हो रही है क्योंकि हिंदी ज्यादा पढ़ा रहा हूँ लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद अपनी अपनी मातृभाषा में जो बात करने का मजा, इसी बात है तुम भी हेलो बोल लो भाई। अरे हेलो तो कर दो, यूट्यूब पे आओगे। नो रिस्पॉन्स, तो ये कोई रिस्पॉन्स दे रहे, कोई बात नहीं हम कर देते हैं। और बाकी और भाई कौन है पीछे आगे आगे वाले, आ जाओ भाई, आ जाओ बिल्कुल, आओ गुरु। लो भाई पीछे वाले भी, पीछे वाले आगे वाले, जय माता दी। अरे भाई के लग गए, अरे भाई के लग गए, कोई बात नहीं, होता है होता है, जय माता दी। हाँ तो यहाँ से अब हमारे पीछे भी काफी रश आ रहा है, अब हमें भी लग रहा है थोड़ा सा तेज निकलना पड़ेगा, थोड़ा भीड़ ठीक है, थोड़ा भीड़ होनी शुरू हो गई, कई थोड़े के चक्कर में बहुत कुछ हो जाए तो हमें दिक्कत हो जाएगी। साइड आ जाओ भाई, आ जाओ, तो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। तो बस अब तुम्हें आगे दिखाते रहते हैं, लंबा ब्लॉग करेंगे क्योंकि सारी चीजें दिखाएंगे, कोई बात नहीं। और भाई की भी सुनो, देखो लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सभी लोग घर से बाहर नहीं निकलते, पर ये बहुत ही अद्भुत चीज है कि सभी लोगों में श्रद्धा है। आप देख सकते हैं कि पीछे मतलब लोग बाहर हैं कितने, अभी 10:30 का समय है और धूप भी बहुत कैड़ी है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा है गर्मी, सबको लग रही है। भाई भी बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल बनाएंगे, हमारे पेट पर हाथ मारने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन भाई की एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि बोलने का तरीका कैमरे पे काफ़ी सही था, तो ये चीज़ खैर होनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, बाकी यार देखो हम लोग कर रहे हैं, अब ये नहीं बोलूंगा कि राइड इंजॉय कर रहे हैं, पदयात्रा इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आराम से मज़ा आ रहा है बिल्कुल। वो बात अलग है कि पसीने नहीं है, पानी है, सर पर पानी डाला था, ठीक है, तो बस वही बह रहा है और कुछ नहीं है। और बाकी भाई सबको एक बार बोल दो, हर ओ शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। चलो लो भाई मंदिर के बारे में डिटेल से जानो। जैसे आप सबको मालूम है ये शनिदेव कोकिलावन जी का यहाँ पर स्थापना है, इनकी शनिदेव जी महाराज की, तो ये आज से नहीं बहुत पूर्वजों से ये मंदिर यहाँ पे स्थापना है, हमारे दादा परदादा उससे भी पहले से मतलब यहाँ पे स्थापना है। तो पहले तो यहाँ पे बहुत सब कुछ कच्चा हुआ करता था, अब तो भी सरकार ने थोड़ा ध्यान देकर यहाँ पे बहुत कुछ नवीनीकरण यहाँ पे कर दिया है। अब दर्शन के लिए जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी थोड़ा बहुत यात्रियों का मतलब जो भी दर्शन अभिलाषी उनका थोड़ा भी कम है, वरना यहाँ पे आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती, इधर उधर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इधर उधर पूरा मार्केट लगता है यहाँ पर। तो ये मैं नहीं भाई, अब मेरे ये जो दोस्त लोग हैं भाई जो यहाँ पर आए हैं दर्शन करने, मैं उनको बोलता हूँ कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको दर्शन इतने अच्छे से होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो भी आने वाले समय में जब लॉकडाउन हट जाए, मतलब शनिवार में किसी शनि एकादशी होगी, जब शनिदेव जी के पास आए अपने मन से, जिसे कहते हैं अभी ये 3.5 किलोमीटर के आसपास ये मतलब इसकी परिक्रमा होती है, अब हम इस परिक्रमा को कंप्लीट करने के बाद इधर से जाओगे पूरा मतलब यहाँ पे राउंड फिगर है, ये पूरा परिक्रमा करने के बाद इसी रास्ते से हम पीछे से आए हैं और यहाँ से पीछे परिक्रमा जो है कम्प्लीट हो गई है, तो अब जो है हम शनिदेव जी के जो मंदिर है मेन जो है वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आगे की तरफ ये शनिदेव जी का द्वार है, मुख्य द्वार जिसे बोलते हैं, अब यहीं पे इसी से हम लोग अंदर जाएंगे। चलो ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग जो जा रहे हैं वो हम बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने सोचा कि सारी बाइक ले जाने की जरूरत नहीं, हम 4 बाइक ले गए। जय, और यहाँ पे भाई नीरज भाई, नमन भाई, नीरज भाई बार बार आ जाए, नमन भाई, तो नमन भाई की आरएस में जा रहे हैं हम, तो अभी यहाँ से अब सारे जितने भी हमारे ब्लॉगर हैं वो सारे आगे चल रहे हैं। और एक बात बताऊँ, बाइक भी नंगे पैर चल रही है, देख लो एक बार भाई बाइक। मैं वही चीज़ आप लोगों से क्लियर करने वाला था कि बाइक देखो आप, हम लोग नंगे पैर जा रहे हैं, हमारे पैरों पर इतने छाले हो गए, हमने सोचा कि चलो बाइक की भी परिक्रमा लगवा लेते हैं, भाई कहते चलो बाइक की भी लगवा लेते हैं, तो चलो अच्छी बात है, अब भाई की लग गई, हमारी लग गई, 2 बार ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यार वैसे वेदर देखो बाइक पे ये टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या है हवा आ रही है, ठीक है, और फेस पे इस टाइम पे पसीने स्वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा मतलब बॉडी अच्छी फील करती है, लेकिन जब आप इस टाइम पे जाओगे ना पैदल, तो रियलिटी में बोलो एक चीज़ का ध्यान रखना कि पैरों को अपने गीले मत होने देना, ठीक है,
ठीक है भाई, नमन भाई सही बात है बिल्कुल भाई, और क्योंकि गीला होने